हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोनम, कल चलती तो मैं भी चलता तुम्हारे साथ। केतन, टेंशन मत लो, लोनावला तक ही जा रही हूँ। और वो तुम्हारी बेटी जिया, उसका क्या? बच्ची नहीं हूँ, तुम बाप बेटी को संभाल सकती हो तो खुद को भी संभाल सकती हो। अच्छा, दीपक को मैंने फोन कर दिया है, वो तुम्हें होटल में मिलेगा, उसने सब अरेंज कर दिया होगा। मैं कल आऊंगी, आज मालिनी के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। अच्छा सुनो, ध्यान से जाना, कैश लेके जा रही हो तुम? कैब आ गई होगी, तुम ऊपर जाओ, टेंशन मत लो, 1,00,000 ही है। बाय बाय, टेक केयर। अरे भैया, आपको वो नित्या बंगलो दिख रहा है ना? अरे उसी गली में अंदर आना है। दिन के बीचों बीच भरी दोपहर एक गृहिणी सोनम मलिक का रास्ते से किडनैप होता है। उसके पति केतन मलिक को भनक तक नहीं लगती कि उसकी पत्नी किसी खतरे में है। चंद मिनटों में किडनैप हुए विक्टिम की जीवन धारा बिल्कुल बदल जाती है। किडनैपर के गिरफ्त में बिताया उसका एक एक पल इसी संदेह में बीतता है कि क्या वो कभी इस गिरफ्त से छूट कर दोबारा अपने परिवार से मिल पाएगी। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूं। आज का ये केस आगे जाकर पुलिस के लिए बहुत मुश्किल साबित होने वाला था। यहां ना तो क्राइम सीन समझ में आ रहा था और ना ही क्रिमिनल का कोई पता था। पापा, ये आपके डायबिटीज की मेडिसिन। ठीक है बेटा, वो उस बैग में रख दो। पापा, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये लैंड डील करने के लिए मैं मुंबई चला जाता हूं ना, एक तो वैसे ही आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और ऊपर से ट्रैवल करना, मतलब। ऋत्विक बेटा, तू मेरी टेंशन मत ले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी एक ही दिन की बात, कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। नहीं नहीं राजेश भाव, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ बस, अभी दवाई ली, अभी सोने ही जा रहा हूँ। आप लोग पार्टी कीजिए, कल मिलते हैं। आओ, घरातली दाल संपली है, किराने वाले ने भी उधार देने से मना कर दिया, आप जरा आते वक्त ले आएंगे? दिमाग मत खराब कर, कल ले आऊंगा। ये सारा सीसीटीवी मुझे आज रात के लिए बंद चाहिए। नहीं नहीं सर, ऐसा हम नहीं कर सकते, ये हमारे होटल के रूल्स के अगेंस्ट है सर। अविनाश, एक रात की बात है, मैनेज कर ले, कोई पूछे तो कह देना कि खराब हो गया, देख ले, नहीं तो मुझे इस डील के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। सर आप तो नाराज हो गए, मैनेज कर लूँगा ना, लेकिन सिर्फ रात भर के लिए, सुबह 7 बजे मुझे ऑन करना पड़ेगा। ठीक है। कोई लड़की वड़की का चक्कर है क्या? हेलो, अगर अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहता है तो 10,00,000 कैश तैयार रखो। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं भाई साहब? केतन, मुझे प्लीज बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। सोनम, भाई साहब, मेरी बीवी, वो ठीक तो है? अभी तो ठीक है, लेकिन अगर तूने पुलिस के पास जाने का सोचा भी तो तुझे पता है मैं उसके साथ क्या क्या कर सकता हूँ। Cheers.
आज का समा बन जाए तो जिंदगी सफल। सच बोलू काका, तो सपने में भी नहीं सोचा था कैसा भी देख पाऊंगा। क्या हुआ जगत भाव, इतना सैड क्यों हो? अब क्या बोलू, मेरी तो जिंदगी नरक हो गई। ये साली औरत जात ही मनुष है, 15 सालों से सिर्फ मेरा नुकसान कराया और इस बार तो सब था गई। सारा धंधा करना नहीं आता तो बीवी को क्यों दोष दे रहा है? अपना बिजनेस करना सबके बस की बात नहीं है, उसके लिए टैलेंट और एप्टीट्यूड चाहिए। जगत भाऊ आप ठहरे सीधे आदमी, आप कहीं इन चक्करों में पड़ गए? आप बस काका के यहाँ नौकरी करते रहिए और इनके फेंके हुए टुकड़ों पे पलता रहो। आज जो हालत है ना तेरी, नौकरी करता तो वो हालत नहीं होती। बोलता तो 2-4 टुकड़े फेंक देता मैं तेरे सामने। आओ सबान संभाल के, कुत्ता नहीं हूँ मैं। जगत भाव सपने उतने ही देखो जितने की हैसियत हो। एक बात बोलो अगर बुरा ना लगे तो, अभी आपकी हालत जो है ना वो कुत्ते से भी बदतर है। क्या बोला तू? जो कुत्ता बोला साले, तो साले कुत्ता बोला तो बोला कचरा को मारता है। एक काली रात, एक होटल, एक भयानक हादसा और 3 लाशें। उस रात दर्शन वैद, यश कुलकर्णी और जगत बोरकर उस होटल में क्या करने गए थे? वहां ऐसा क्या होने वाला था जिसे गुप्त रखना जरूरी था? और दूसरी ओर पूजा गावड़े मिसिंग थी। क्या एक नई जिंदगी की आशा में वो अपने पति के पैसे लेकर भाग गई थी? क्या जो आंखों के सामने था वही सच था? पूजा आ गई, तुम कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। जतिन आप यहाँ, आप तो भोपाल से कल आने वाले थे ना? हाँ पर काम जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी चला आया। ऊपर से तुम्हें एक गुड न्यूज भी तो देनी थी। गुड न्यूज? मेरी पुश्तैनी जमीन जो बिकनी रही थी फाइनली वो बिक गई है, वो भी बहुत अच्छे दामों पे। ये देखो 17 लाख रुपए पहली इंस्टॉलमेंट। ये इंस्टॉलमेंट हमारे नए फ्लैट की डाउन पेमेंट में काम आएगी। लेकिन जतिन इतनी जल्दी ये सब, हम EMI कैसे भरेंगे? पूजा तुम क्यों टेंशन ले रही हो, सब हो जाएगा। अच्छा ये पैसे लो और लॉकर में रख देना। हाँ जतिन तुम्हारे लिए फ्लैट खरीद रहा है, ये तो खुशी की बात है, तो तुम इतनी अपसेट क्यों? नहीं दादा ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस। देख पूजा जो बात है खुल के बता। दादा कबीर पुणे आया है, उसका फोन आया था। कौन वो कमीना? 3 साल के बाद तुझे कॉल करने की हिम्मत कैसे की उसने? पूजा तुम लोग 5 साल रिलेशनशिप में थे फिर भी 1 सेकंड में छोड़ के चला गया तुझे वो। लेकिन दादा, साला 1 नंबर का मतलब ही है वो। दादा लेकिन इस बार वो अपना घर बार अपनी जायदाद सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आया। वो कहता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। पागल है क्या तू, क्या बोल रही है? शादी हो गई तेरी? मैं निकलती हूँ, जतिन का आने का टाइम हो गया। ये देखो 17 लाख रुपए पहली इंस्टॉलमेंट। ये इंस्टॉलमेंट हमारे नए फ्लैट की डाउन पेमेंट में काम आएगी। पूजा तुम लोग 5 साल रिलेशनशिप में थे फिर भी 1 सेकंड में छोड़ के चला गया तुझे। पूजा मैं निकल रहा हूँ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। दिल्ली से वापस कब आओगे? बस 2 या 3 दिन का काम है, एक्सटेंड भी हो सकता है। रिटर्न टिकट कंफर्म होते ही कॉल कर दूंगा। ओके
तुम जानती हो ना कि मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। मुझे पता है कि कबीर कुछ दिनों से तुम्हें फ़ोन कर रहा है। पूजा, अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो जो भी तुम्हारा फैसला होगा मैं मान लूंगा। नहीं चाहते, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। कल की बुकिंग का 30% मैं भी दे रहा हूँ, बाकी 13 तारीख को चेकआउट करते हुए क्लियर कर दूंगा। मुझे 12 तारीख की रात को कोई भी वहाँ नहीं चाहिए। हमारा कोई भी गेस्ट वहाँ नहीं जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए सर। सिर्फ गेस्ट ही नहीं, होटल स्टाफ को भी मना कर देना, मुझे वहाँ कोई भी नहीं चाहिए। मेरा खास प्रोग्राम है, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और हाँ, 8 बजे तक खाना और प्लेट्स वगैरह और कुछ अल्कोहल वहाँ साइड में लगवा देना, हम बाद में खुद ही ले लेंगे। उसने कुछ बताया था कि रात में कितने लोग आने वाले थे या फिर उस स्पेशल प्रोग्राम में क्या होने वाला था? नहीं सर। आप लोग ऐसे कैसे किसी को भी होटल में रहने दे सकते हैं? ना कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, ना कोई इंक्वायरी। हो सकता है वो किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, ड्रग्स या फिर कोई क्राइम। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। दर्शन सर हमारे बहुत पुराने कस्टमर थे, उन पर तो हमें सालों से भरोसा था। सर, रात 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक सीसीटीवी बंद था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। क्या, ऐसा कैसे पॉसिबल है अविनाश? हो सकता है दर्शन भाव नहीं बंद कराया हो। अच्छा, उसने सर्वेलेंस रूम में घुसकर सीसीटीवी कैमरास ऑफ कर दिए और किसी ने कुछ नहीं देखा? और क्या क्या इलीगल एक्टिविटीज चल रही है इस होटल में? आप कैसी बात कर रहे हैं सर, कुछ भी इलीगल नहीं हो रहा है इस होटल पे। पूरा होटल सील कर दो और हर कस्टमर को चेक करो। जी सर। सर ये रहे दर्शन बाबू। इसने खुद को सर के बीचों बीच गोली मारी है। तूने मेरे पीठ पीछे मेरे भाई से डील करके मेरी जमीन हड़प ली। मैंने कोई धोखा नहीं किया, तुम्हारे भाई के हिस्से की जमीन खरीदी है, बस वही दाम मैंने तुम्हें भी ऑफर किया था लेकिन तुम नहीं माने। क्योंकि वो जमीन बिकाऊ नहीं थी, मेरे बाप दादा की आखिरी निशानी थी। मेरा भी परिवार है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे है, कैसे पालूंगा मैं उन्हें? मैंने बस तुमसे थोड़ा सा समय मांगा था अपने भाई की जमीन का हिस्सा खरीदने के लिए। देखो सचिन, ये धंधे की बात, तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है मेरी। ओके भाई, नहीं छोडूंगा तुझे। जान से मार डालूंगा मैं तुझे। नहीं छोडूंगा। ओके, तूने मुझे धोखा दिया। ओके भाई, तूने मुझे धोखा दिया। जान से मार डालूंगा तुझे। बाहर निकल इसे। भाई, नहीं छोडूंगा। पापा, मुझे लगता है कि हमें पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए। तो टेंशन मत ले, फिलहाल गुस्से में इसलिए बौखलाया हुआ है। हेलो सुधा, तुम्हें पता है ऋत्विक ने एक बहुत बड़ी डील साइन की है जो मैं नहीं कर सका अब तक। बहुत मन लगा के काम कर रहा है, अब तो खुश हो ना? मैं बता नहीं सकती, ये सुनकर मुझे कितनी शांति मिल रही है। ये सब आपकी अच्छी परवरिश का ही नतीजा है। ऋतु मेरा बेटा है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जानती हूँ। अच्छा वैसे आपका वो होटल वाला प्रोग्राम अगले फ्राइडे है, उस दिन तो आप बहुत बिजी रहेंगे। फ्राइडे को नहीं है, अगले महीने की 12 तारीख को है। तुम चिंता मत करो, मैं फोन करूंगा, ठीक है? अब चलो रखता हूँ फोन। सर इसके वॉलेट से इसकी आईडी मिली है, यश कुलकर्णी नाम है इसका। सर ऐसा लगता है कि इन लोगों ने साथ मिलकर डिसाइड किया था सुसाइड करने का। इसने भी खुद को सर के ठीक बीचों बीच गोली मारी है, दर्शन की तरह। कौन है? कौन है? काव्या, काव्या कहाँ? काव्या कहाँ है बोलो? तुमने उसे छुपा के रखा है ना? हाँ, वो दूसरी कॉलोनी में शिफ्ट हो गई है।
अब तू उसे कभी परेशान नहीं कर पाएगा। मैं उसके सिवा जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। हाँ तो जाके मर जा। कड़ी तो खोल लेते। हट यहाँ से। अब तो बहुत खुश होगी ना तू? एक बार फिर मेरा धंधा चौपट करा दिया है और इस पर तो दुकान पर ताला ही लग गया है। क्या हुआ? तू हुई। और क्या हुआ? तेरे चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। क्या? मेरी क्या गलती है? 15 साल से तूने बच्चे का सुख नहीं दिया, बस यहाँ बैठ के मेरी छाती पर मूंग दल रही है। तू निकल, तू निकल मेरे घर से। चल। मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, तेरे बहुत सारे आशिक हैं। मेरा पीछा छोड़, चल निकल। अभी सेम केस है। हाँ, लेकिन इसके सर के राइट साइड पर गोली लगी है और गन अभी भी इसके हाथ में है, जबकि बाकी दोनों के हाथ से गन थोड़ी दूरी पर थी। इसका नाम क्या है? जगत बोरकर। कमल। यस सर। क्या लगता है तुम्हें, मास सुसाइड है? सर अभी तक तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हमारी टीम एविडेंसेस कलेक्ट कर रही है। 3 क्राइम सीन्स है सर, और ऊपर से ये पूल साइड एरिया। आई अंडरस्टैंड, लेकिन जितनी जल्दी हो सके मुझे एनालिसिस रिपोर्ट चाहिए। श्योर सर। पीटर। इन तीनों के बीच में क्या लिंक? सर ये दर्शन वैद्य रियल एस्टेट का काम करता था, बहुत बड़ा बिजनेस है और अपने एरिया में भी सबसे ज्यादा वोट रखता था। दूसरा है यश कुलकर्णी, इसकी टूर एंड ट्रेवल की कंपनी है। दर्शन रिश्ते में इसका काका था और सर दर्शन ने ही यश का बिजनेस सेट करके दिया था यहाँ पर। और जगत बोरकर? सर जगत का गारमेंट शॉप है, 1 साल पहले उसने अपना बिजनेस सेट किया था, लेकिन 2 महीने पहले बिजनेस में लॉस की वजह से उसके दुकान पर ताला लग गया। सर ये जगत पहले दर्शन के रियल एस्टेट के ऑफिस में काम करता था, शायद वहीं पर इसकी मुलाकात यश से हुई हो। जगत की दुकान बंद हो गई थी तो हो सकता उसने दुख में हार मानकर सुसाइड कर लिया हो। लेकिन दर्शन और यश ने सुसाइड क्यों किया? कल रात यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि एक ही रात में तीनों ने सुसाइड किया? सर मैंने राजू को काम पर लगा दिया, अगर ड्रग्स और लड़कियों का मामला होगा तो सामने आ जाएगा। सर सर होटल की छानबीन जारी है, लेकिन अभी तक कोई इलीगल एक्टिविटी सामने नहीं आई है। सर मुझे लगता है कि मैनेजर अविनाश ने लालच में आकर दर्शन की बात मान ली होगी। तीनों की CDR आ गई? जी सर। सर यश कुलकर्णी ने लास्ट कॉल शाम को 5 बजे किया था राजेश सोलंकी को। राजेश सोलंकी से मेरी बात हुई, उसने बताया कि यश ने उससे कहा था कि उसकी तबीयत खराब है इसलिए वो दवाई खाकर सोने जा रहा है, उससे मिल नहीं पाएगा। यश ने झूठ कहा? जी सर। और बाकी जगत ने लास्ट कॉल अपने एक चाचा को किया था जो कि नासिक में रहते हैं। और दर्शन? सर इसी का तो इशू है, दर्शन ने लास्ट कॉल 5:50 पर किया था शाम को पंचगली के एक पे फोन पर फोन किसी ने उठाया नहीं। सर मैंने दर्शन के पिछले 3 महीने के CDR को चेक किया। दर्शन हर फ्राइडे को शाम 5:30 से 7 के बीच एक नंबर पर कॉल करता था। कल 12 मार्च, कल भी फ्राइडे था सर। एक काम करो, उसके पिछले 1 साल के CDR चेक करो, देखो कॉल पैटर्न सेम है या नहीं, और पंचगनी पुलिस टीम से रिक्वेस्ट करो कि वो पे फोन के आसपास का एरिया चेक करें, शायद वहाँ पर कोई CCTV हो जहाँ से हमें फ्राइडे की फुटेज मिल जाए और हम उस औरत तक पहुँच सकें। ये तो जाहिर है कि दर्शन हर फ्राइडे वहाँ कॉल करता था, हमें पता ये लगाना है कि दर्शन की मौत से इस कॉल का कोई कनेक्शन है या नहीं। लेकिन सर दर्शन की मौत तो सुसाइड है ना? हमें सुसाइड्स की वजह ढूंढना बहुत जरूरी है, हमें हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन करना होगा ताकि हमसे कोई भी पहलू छूट ना जाए। जी सर। भाऊ मेरा भांजा रवि बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए थे उधार। ठीक है, कितने पैसे चाहिए? 1 लाख चाहिए थे। ये लो, बच्चों की सेहत से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं होता। अपने भांजे का अच्छे से इलाज करवाओ, और पैसे की जरूरत पड़े तो कहना मुझसे। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। कमल प्लीज बैठो। सर क्राइम सीन की फॉरेंसिक एनालिसिस कंप्लीट हो चुकी है। क्या पता लगा? सर ये पूरा क्राइम सीन सेटअप किया गया है, कोई मास सुसाइड नहीं है।
सर ये देखिए, सर ये दर्शन और यश के बॉडी के फोटोग्राफ्स हैं। इन दोनों की गन्स इनके हाथ से कुछ ही दूरी पर हैं। हो सकता है शूट करने के बाद गिरते वक्त हाथ से छूट गई हो। इन दोनों की बॉडी की पोजीशंस भी एक्यूरेट नहीं है, इसलिए इन दोनों के बारे में कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन पर आना मुश्किल है। लेकिन सर ये देखिए, ये जगत की बॉडी के फोटोग्राफ्स हैं और इसकी गन इसके हाथ में ही थी। आई विल एक्सप्लेन। सर अगर मैं राइट साइड से शूट करता हूँ तो मेरी बॉडी गन शॉट के फोर्स की वजह से लेफ्ट साइड में गिर जाएगी। इस कंडीशन में या तो मेरा हाथ इस तरफ या तो फिर इस तरफ गिरेगा। लेकिन इन दोनों सिचुएशंस में मेरी पाम ऊपर की तरफ फेस कर रही है। लेकिन इस फोटो में आप देख सकते हैं उसकी हथेली नीचे की तरफ फेस कर रही है। मतलब जगत ने खुद को गोली नहीं मारी? यस सर। बैठो कमल। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दर्शन या यश में से किसी ने जगत को मारा हो और फिर खुद सुसाइड कर लिया। दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इन तीनों में से किसी के भी फिंगर्स पर गन पाउडर के रेसिड्यू नहीं मिले हैं। मतलब उस रात उन तीनों के अलावा वहां पर कोई चौथा भी था जिसने इन तीनों को मारा और क्राइम सीन स्टेज किया ताकि ये सब कुछ मास सुसाइड लगे। एग्जैक्टली। आई एम श्योर वहां पर कोई अननोन फिंगरप्रिंट नहीं मिले होंगे। नहीं सर, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिला। लेकिन पूल साइड पर रखी हुई साफ प्लेटों को मैंने चेक किया, उनमें से एक प्लेट पर खाने के रेसिड्यू मिले हैं और ये रेसिड्यू उसी खाने के हैं जो उस रात दर्शन, यश और जय ने खाए थे। इसका मतलब किलर अपने पीछे कोई निशानी नहीं छोड़ना चाहता था। उसने खाना खाने के बाद अपनी प्लेट भी धो दी ताकि किसी को इस बात पर शक ना हो कि उस रात होटल में पूल साइड पर जो प्रोग्राम था वहां पर तीन नहीं चार लोग मौजूद थे। उस प्लेट पर कोई डीएनए सैंपल मिला है? नो सर, कोई सैंपल नहीं मिला और बाकी प्लेट्स भी साफ थे। केतन मुझे प्लीज बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये लोग कौन है? मुझे क्यों पकड़ के रखा है केतन? सुनो तुम ठीक तो हो ना? सुनो प्लीज केतन। लाल महल से दो गली आगे दाएं तरफ एक रास्ता जाता है, परसों रात 11 बजे 10 लाख के असले का उस रास्ते के आखिर में आके मिले। सर 10 लाख बहुत बड़ी रकम है सर, मुझे अरेंज करने में टाइम लगेगा सर, थोड़ा टाइम दीजिए ना सर। अच्छा तू टाइम रख ले, मैं तेरी बीवी रख लेता हूँ। सर 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 मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। परसों रात 11 बजे पापा, डील कैसी थी? डील भूल जा रही थी। इधर बैठ 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 बेटा, मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हुए, मुझे भगवान मिले, उनकी ऊर्जा मेरे चारों तरफ थी। भगवान सर, अभी पिछले हफ्ते ही पापा, यश दादा और जगत तीनों मिले थे। क्या तीनों अक्सर मिलते थे? नहीं सर, पर उस दिन पापा ने ड्रिंक किया था तो मुझे लगा कि ऐसे ही मिले होंगे। यश दादा का तो घर में आना जाना था, मतलब बहुत कम था। जगत तो शायद जब से उन्होंने जॉब छोड़ा तब से पहली बार मिले थे। क्या तुम्हारे पापा की किसी से कोई दुश्मनी थी, कोई ऐसा जो तुम्हारे पापा को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? सर इस बात को अभी 6 महीने हो गए और सच बताओ तो शुरुआत में मैं भी थोड़ा सा घबरा गया था, पर फिर पापा ने मुझे समझाया कि वो बस अपनी जमीन खोने के दुख में धमकी दे रहा है। हमें सचिन के कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए। जी मैं दे दूंगा सर। एक बात और, पंचगनी में तुम्हारा कोई रिलेटिव या फैमिली फ्रेंड ऐसा कोई रहता है? नहीं सर। जैसी करनी वैसी भरनी, मुझे मेरी काव्या से अलग करना चाहता था वो, उसी की सजा मिली है उसे। इसीलिए बदला लेने के लिए तूने उसे जान से मार डाला। काश ये सुख मुझे मिलता। 12 मार्च की रात 8 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 5 बजे तक कहाँ था तू? मैं अपने घर पे था। कोई और था तेरे साथ जो इस बात को कंफर्म कर सके? मैं अकेला कहाँ रहता हूँ, काव्या हमेशा मेरे साथ होती है। काव्या मुझ में समाई हुई है और यश उसे मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए अपनी जान से हाथ धो बैठा और साथ में सबको ले गया। सुनिए, सुबह सुबह भी पीना चालू कर दिया क्या? चल जाने दे, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। माता रानी ने खुद सपने में आके कहा है मेरा सब काम सेट हो जाएगा। तू जा खाना लगा, जा 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 खाना लगा दे जा। हाँ माता रानी।
मेरा काम हो जाएगा। बानी जी, क्या उस दिन आपको आपके पति ने बताया था कि वो कहाँ और क्यों जा रहे हैं? नहीं साहब, बोले कि अगले दिन तक वापस आ जाएंगे। ज्यादा पूछने पर मार पड़ती, इसलिए मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया। आपके पति की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या कोई ऐसा शख्स जो आपके पति को नुकसान पहुंचा सके? नहीं साहब। ठीक है, आप जा सकते हैं। I'm sorry यार जतिन, मुझे नहीं पता था कि पूजा सच में ऐसा कुछ करेगी। क्या मतलब? वो कबीर पुणे में वापस आ गया है। दरअसल बात यह है कि तेरे पीछे पूजा उससे मिलने गई थी, लेकिन उसने मुझे बोला था कि उन दोनों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं है जैसे पहली थी, इसलिए मैंने बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नहीं विवेक, पूजा मुझसे प्यार करती है, वो मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकती है, उसने खुद मुझसे कहा था। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। जतिन, उस दिन पूजा ने मुझे कॉल किया था। दादा, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अब और ऐसे नहीं रह सकती, मुझे इन सब से दूर जाना है। मैं जतिन के साथ कैसे रहूं जब मुझे दिन रात कबीर का ख्याल आता रहता है। पूजा, कबीर तुम्हारे लायक नहीं है। दादा, वो अपने माँ बाप अपनी ज्यादा सब छोड़कर यहाँ आया है, किराए के घर में रह रहा है, बिस्किट खा के जी रहा है, यहाँ तक कि उसे नौकरी भी दर दर भटक के मिल रही है, वो ये सब मेरे लिए कर रहा है। तो तुम इसमें कर ही क्या सकती हो, उसको यहाँ का सर्वाइवल सीखना पड़ेगा, यहाँ के तरीके सीखने पड़ेंगे। दादा, मैं सोच रही हूँ कि कोई नया बिजनेस चालू करने में मैं उसकी मदद कर पाऊँ तो। कैसे करोगे बताओ? इन्वेस्टमेंट करना खाने का काम है क्या? कहाँ से लागू इतना पैसा? बात कर रही हूँ सर। मैंने मेरी बीवी पूजा को पूरे 17 लाख रुपए कैश रखने के लिए दिए थे सर। ये पैसे मेरे नए फ्लैट के डाउन पेमेंट के पैसे हैं। मैं जब दिल्ली से वापस आया, पूजा मिसिंग थी सर, उसके साथ साथ ये 17 लाख रुपए भी मिसिंग थे। आपका मतलब आपकी बीवी पैसा लेके भाग गई? सर, मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ कि आप मेरी बीवी को ढूंढ दीजिए सर, मुझे इन पैसों की सख्त ज़रूरत है। अगर पूजा मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊँगा सर, प्लीज़। आप मुझे अपनी बीवी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स और फोटोज दे दीजिए, आई विल सी व्हाट आई कैन डू फॉर यू। मानता हूँ साहब, मैं गुस्से में था, लेकिन मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। वैसे भी मेरा परिवार अभी मुसीबत में है, अगर ऐसे में मैं जेल चला गया तो उनको सहारा कौन देगा? 12 मार्च की रात 8 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 5 बजे तक तुम कहाँ थे? मैं अपने घर पे ही था। घर में कौन कौन था तुम्हारे साथ? कोई भी नहीं, मैं बीवी और बच्चों को मायके छोड़ के आया हूँ। साहब, मेरा यकीन करो, मैंने कोई खून नहीं किया है। तुमने क्या किया क्या नहीं किया ये हम पता लगा लेंगे, जब तक केस क्लोज नहीं हो जाता शहर छोड़ के मत जाना। जाओ यहाँ से। जी सर। ये सचिन और वो हरीश, दोनों के CDR और लोकेशन डिटेल्स निकलवाओ, चेक करो कि मर्डर के वक्त सच में दोनों अपने घर पर थे या नहीं। जी सर। माने, इस सब में एक प्रॉब्लम है, हरीश और सचिन या तो दर्शन या फिर यश के साथ जुड़े हैं, तो फिर दोनों का मर्डर क्यों किया? सर, हो सकता है कि मास सुसाइड दिखाकर कवर अप करना चाहते हो ताकि शक उन पर न जाए। जगत, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? सर, जगत अपनी वाइफ को बहुत मारता पीटता, अपनी सारी नाकामियों का जिम्मेदार वो अपनी वाइफ को मानता, अभी तक उससे किसी की दुश्मनी का कोई एंगल सामने नहीं आया है। सर, मैं बानी और दर्शन के बेटे ऋत्विक की डिटेल्स भी चेक करवा रहा हूँ। और वो पंचगनी वाला पे फोन, उसके बारे में कुछ पता चला? सर, पंचगनी की पुलिस को पे फोन के पास एक CCTV कैमरा मिला है, वो फुटेज चेक कर रहे हैं, जैसे उन्हें कुछ पता चलेगा हमें बता देंगे। सर, पंचगली पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर राठी का फोन आया था, उन्होंने दर्शन की CDR को पे फोन की टाइमिंग से क्रॉस चेक किया तो उन्हें एक मैच मिला। सर, एक औरत है, उसका CCTV ग्रैब डेटाबेस में डाला तो हिट मिला। उस औरत का नाम सुधा वर्मा है, हिस्ट्री शीटर है, 26 साल पहले उसे जेल हुई थी, उसने अपने पति को नींद में मारने की कोशिश की थी, 7 साल उसने जेल में बिताया, लेकिन अच्छे बिहेवियर की वजह से उसे छोड़ दिया गया था। माने, उसे यहाँ पुलिस स्टेशन बुलाओ, उसी से पता चल सकेगा कि उसका और दर्शन का क्या कनेक्शन है। सर, मैं अपने पति की रोज रोज की मारपीट से तंग आ चुकी थी,
इसलिए एक दिन जब वो सो रहा था तो मैंने उसे मारने की कोशिश की, पर वो बच गया और मुझे जेल हो गई। तब मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। मुझे तो लग रहा था कि मेरे बच्चे को भी मेरी वजह से जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन तब मैं दर्शन जी और उनकी पत्नी से मिली। उन्होंने मेरे बेटे को गोद लेने की बात की और आश्वासन दिया कि वो हमेशा मुझे उसकी खबर देते रहेंगे। और तब से लेके अब तक सर, हर फ्राइडे को उनका फ़ोन आता है। पहले जेल में आता था और अब पंचगनी के फ़ोन पर। 12 मार्च की रात को वो किसी प्रोग्राम के चलते एक होटल में जाने वाले थे। क्या आपको कुछ पता है कि वो प्रोग्राम क्या था? सर, वो वहाँ जाने वाले थे ये तो मुझे पता है, पर क्यों ये नहीं पता। करना नहीं आता, 1.5 करोड़ का नुकसान कर दिया। जब नहीं आता तो पूछना चाहिए था तुम्हें, इसलिए पाल पोस के पड़ा कहता तुम्हें, इतना बड़ा अंपायर डुबा के रख देगा। गेट आउट। भाई मान मेरी बात, मैंने सच में एलियन देखा। फिल्मों में होता है वैसा नहीं, रियल वाला, बिल्कुल अजीब। पूरे चेहरे पे सिर्फ तो बड़ी बड़ी आंखें दिख रही थी। भाई मजा आ गया, मजा। एलियन, ऊर्जा, ये दोनों क्या बात कर रहे थे? सर ये वो एक हफ्ते पहले की मीटिंग के बाद का है। सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि मीटिंग में इन लोगों ने ड्रग्स लिया हो और ऐसे बहके बहके बातें कर रहे हैं। ऐसी कई ड्रग्स हैं जिनके इफेक्ट में इंसान हेलुसिनेट करने लगता है, जो होता नहीं उसे वो भी सच लगने लगता है। सवाल ये उठता है कि उस दिन तीनों गए कहाँ थे? सर उनके लोकेशन का भी कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये तीनों अपना फोन घर पर ही छोड़ कर गए थे। माजरा क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा, कि इन तीनों का आखिर मर्डर हुआ क्यों? उस रात होटल में ऐसा कौन सा स्पेशल प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम को सबसे इतना सीक्रेट क्यों रखा गया? सर मुझे एक बात पता चली। क्या? सर यश के कॉल रिकॉर्ड में मुझे एक बंदे का नंबर मिला है, विवेक नाम है उसका। इसी फरवरी महीने में विवेक यश से मिला था और मिलने के 2 दिन बाद ही विवेक की बहन पूजा गायब हो गई थी। सर पूजा के पति ने कंप्लेन भी दर्ज की थी कि पूजा 17 लाख रुपये लेकर घर से भागी है। यहाँ एसके नगर पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज की थी। बहुत दूर का लिंक है, मुझे नहीं लगता इन मर्डर्स के साथ इसका कोई कनेक्शन है। पर फिर भी टू बी सेफ विवेक का बैकग्राउंड चेक करो। हाँ सर, मैंने इस लड़की को अपने ही कैब में छोड़ा था। कहाँ पे? SP रोड वाले जंगल में। क्या कर रही है पूजा? कब से फोन ट्राई कर रहा हूं तेरा। पूजा क्या सोच रही है, फोन कहाँ है तेरा? दादा फोन तो मैं घर पर भूल गई। चल ठीक है, ये पैसे दे, लेट हो रहा है, चल जानो। दादा दादा एक मिनट, दादा मैं ये आपको पैसे नहीं दे सकती। क्या हुआ? दादा मैं आपकी बातों में इमोशनल हो गई थी, लेकिन ये पैसे जतिन के, इसलिए मैंने कबीर को भी नहीं दिए। मैं आपको ये पैसे नहीं दे सकती, आई एम सॉरी। पागल हो गई क्या तू? ये पैसे की जरूरत है, बोला ना तुझे, छोड़। दादा प्लीज ये पैसे मुझे दे दीजिए दादा प्लीज। अरे मैं बोल रहा हूँ ना तेरे को रिटर्न दे दूंगा। दादा मुझे ये पैसे दे दीजिए। छोड़ पैसे। दादा मुझे हर्ट हो रहा है दादा, दादा। चल। पूजा 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 उठना। मैंने तुम्हारी कंपनी के फाइनेंशियल चेक किए, जनवरी के एंड में तुम्हें बहुत बड़ा लॉस हुआ था। वो पूजा तुम्हारे पास 17 लाख रुपए लेकर आई तो थी, फिर उसे मारा क्यों? सर वो एक एक्सीडेंट था। मैंने पूजा से जब पैसे मांगे तो पूजा ने साफ मना कर दिया। एक्सीडेंटली उसको धक्का लग गया सर और वो गिर गई। लेकिन मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि धनराज बाबा ने बोला था कि अगर मैं पूर्णिमा की रात तक पैसे लेके आता हूँ तो मेरे पैसों को 3 गुना बढ़ा देंगे।
और इसलिए 11 फरवरी को किसी भी हाल में मुझे पैसे चाहिए थे सर। धनराज बाबा? हाँ धनराज बाबा, यश ने मिलवाया था मुझे उनसे। क्या धन की वर्षा? हाँ धन की वर्षा, उन्होंने बोला था जितने पैसे लगाओगे उससे 3 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। मैं, दर्शन काका, जगत पाओ, हम तीनों सुन के दंग रह गए थे। यार मुझे भी मिलवा देना उनसे। मैं तुम्हें एड्रेस SMS करता हूँ, तुम जाके मिल लेना। ऊर्जा, एलियन, माता रानी का दिखना, दर्शन, यश और जगत की अजीब अजीब बातें। मुझे लगता है इस सब का उस बाबा से लेना देना है। उस फ्रॉड बाबा को कुछ पता चला? सर SB नगर की पुलिस उस जगह पर गई थी जहां पर विवेक बाबा को मिला था, पर वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। पूरे स्टेट में उस बाबा के नाम का अलर्ट इशू कर दो। आयुष्मान भवा, बहुत परेशान लग रहे हो बच्चा। हाँ बाबा, परेशान तो हूँ। हम तुम्हारी परेशानी को समझ भी सकते हैं और दूर भी कर सकते हैं, किंतु उतना ही जितना तुम्हें आवश्यकता है। बाबा आपको बाबा धनराज की जय। बाबा धनराज की जय। बाबा धनराज की जय। काफी तहकीकात के बाद पुलिस के हाथ एक सॉलिड लीड आई थी। एक नाम सामने आया था, धनराज बाबा। लेकिन दुर्भाग्यवश पुलिस को जब तक उसके बारे में पता चल पाया था बहुत देर हो चुकी थी और मुजरिम फरार हो चुका था। जहां एक ओर पुलिस आसपास के इलाकों में उसको ढूंढ रही थी, वहीं दूसरी ओर वो किसी नई जगह नए शिकार तलाश रहा था। सर अभी राजस्थान पुलिस से खबर आई है, इस धनराज बाबा के खिलाफ वहां पर भी कई केसेस दर्ज हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के लोगों को ठगने के बाद अब उसने राजस्थान को टारगेट किया है? जी सर, इन 6 महीनों में 89 केसेस दर्ज हुए उसके खिलाफ। MP में 30, UP में 35 और बिहार में 24। उसकी स्केच का क्या हुआ? सर किसी ने भी अभी तक उसकी शक्ल नहीं देखी है। जब भी लोग उससे मिलने जाते हैं तो अंधेरे में रहता है और लोगों को ये बोलकर बेवकूफ बनाता है कि जो भी मेरी शक्ल देखेगा वो भस्म हो जाएगा। तुम्हारी बहन कैसी है? अभी ठीक है मैम, लेकिन किडनी के इलाज में काफी पैसा लग रहा है। अगर सैलरी से थोड़ा एडवांस मिल जाता तो। एडवांस से भी ज्यादा अच्छा उपाय है मेरे पास, परसों तक ठीक हो जाएगी। मैम ऐसा क्या उपाय है? लाख है, 10 लाख हो गए हैं, अब तो पूजा हो जाएगी ना बाबा जी? हो जाएगी। बाबा जी मैं भी बहुत परेशान हूँ, मुझे भी आपका चमत्कार देखना है। अवश्य दिखाएंगे। कितना लाए हो? मैं 10,000 रुपए लेकर आया हूँ। सिर्फ 10,000? 10 लाख लाओ बच्चा, 20 लाख करके देता हूँ। बाबा जी फिलहाल मेरे पास इतने ही है, आप अब इसको दुगना कर दो, 20,000 कर दो, मैं अपनी बीवी को कंगन दिलवा दूंगा। कोई बात नहीं, इस पवित्र जल का आप तीनों सेवन करें। अपनी आंखें बंद करके ध्यान में विलीन हो जाइए। ध्यान 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 में विलीन हो जाइए।
थाने, अरेस्ट हिम। हाँ, मैंने अपनी किडनैपिंग खुद करवाई थी। मुझे धनराज बाबा को देने के लिए पैसे चाहिए थे। मैंने केतन और पापा से मांगने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया, इसलिए मजबूरी में आके मुझे खुद की किडनैपिंग करवानी पड़ी। वो कोई संत महात्मा नहीं, एक फ्रॉड है। नहीं नहीं, वो फ्रॉड नहीं है, ऐसा मत कहिए, वो तो परमात्मा है। मैं धनराज बाबा स्वयं कुबेर का हाथ दिया। अब ये बता, दर्शन, जगत और यश को ऊर्जा, एलियन और माताजी कैसे दिखती थी? तीन गुना पैसा, धन की बारिश, ये क्या बकवास कर रहे हो? और हम तुम पे भरोसा कैसे करें? ये सब करते हुए हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। ये नहीं हो सकता। यकीन नहीं होता तो 5 मार्च को आप सब हमारे आश्रम पे आइए। चमत्कार किसे कहते हैं, हम आप तीनों को दिखाएंगे। आज का समा बन जाए मतलब जिंदगी सफल। मूर्ख, क्या कर रहे हो तुम लोग? विधि संपन्न हो चुकी है, अब तुम तीनों अपना अपना बैग उठा के अपने अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। कल सुबह तक तुम तीनों का पैसा 3 गुना हो जाएगा, लेकिन याद रहे, सुबह से पहले कोई अपना बैग नहीं खोलेगा। अपनी आंखें बंद करो, भगवान ने हमको तुम्हारे पास एक खास पूजा करने के लिए भेजा है। इससे पहले और कितना को चूना लगा चुका है साहब? ये तीनों ही पहले थे साहब। दर्शन से मुझे अपना पुराना हिसाब चुकाना था, इसलिए ये सब किया। पुराना हिसाब? शर्म आनी चाहिए तुझे, एक बच्चे के नाम पे झूठ बोलकर तूने पैसे लिए। सच में तो वो पैसे तुझे जुआ खेलने के लिए चाहिए थे। मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है, और एक हफ्ते के अंदर मेरा पैसा मुझे वापस नहीं मिला तो जान से मार दूंगा तुझे। साहब, जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार उनका अपना लोभ था। पैसों की लालच में वो लोग इतने अंधे हो चुके थे कि उनके सोचने समझने की शक्ति मानो भ्रष्ट हो गई थी। पैसे बढ़वाने के नाम पे लोग किसी भी आग बंद करके विश्वास कर लेते। मैंने भी बस उसी का फायदा उठाया, उनको उनके उनके लोभ ने डुबाया साहब। और तेरे लोभ ने तुझे खूनी बना दिया। धनराज बाबा यानी अजय केडकर से आगे पूछताछ करने के बाद जो आंकड़े पुलिस के सामने आए वो चौंका देने वाले थे। जो 89 केसेस उसके खिलाफ दर्ज हुए थे, उसके अलावा उसने गांव, तालुका और छोटे शहरों में 446 लोगों को ठगा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, लालच में आकर 22 लोगों का मर्डर भी किया था। और इतने जघन्य अपराध करने के बावजूद अजय को अपने किए पे ना ही कोई शर्म थी और ना ही कोई पछतावा। जरूरी है कि इसके खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को ये समझाया जाए कि चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता, हर अद्भुत चीज के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक तर्क होता ही है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रिलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.